तितली कलश यात्रा ऐतिहासिक कलश यात्रा को देखने उमड़े शहरवासी। सिटी थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधी मोखम सिंह को किया गिरफ्तार। प्रदेश अपराध की सूची में अव्वल नंबर पर है नाम दर्ज। जिवरिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान पकड़ी 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में की जा रही थी तस्करी। और पुनः अस्तित्व में आया बरसों पुराना नेहरू गेट आमजन के आवागमन के लिए किया समर्पित। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री आशापुरा माता मंदिर न्यास की ओर से मरलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज वृंदावन वालों के श्रीमुख से गुरुवार से श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। कथा प्रारंभ से पूर्व श्री आशापुरा माता मंदिर न्यास की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गुरुवार शाम को सूरजपुर गेट स्थित सुभाष उद्यान से प्रारंभ हुई कलश यात्रा में 5100 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर भाग लिया। विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। इसी प्रकार पुरुष श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ भजन गाते हुए सनातन धर्म के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा के दौरान राम दरबार तथा राधा कृष्ण की प्रतिमा को शामिल किया गया। प्रतिमाओं ने नगर भ्रमण किया। 7 मई को उक्त प्रतिमाओं की आशापुरा माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सुभाष उद्यान से प्रारंभ हुई कलश यात्रा भारत माता सर्किल, लोहरान चौपड़, माल्यान चौपड़, नेहरू गेट, गुर्जर गौड़ भवन, ब्रह्मा धाम होते हुए आशापुरा माता मंदिर पहुंची। कलश यात्रा का नगर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक संगठनों व शहरवासियों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में रामदारा के संत केवलराम महाराज, गोपाल राम महाराज तथा प्रसन्न गणपति मंदिर के महंत फतेहगिरी महाराज सहित अन्य संत रथ में सवार होकर चल रहे थे, जिनका शहरवासियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। कलश यात्रा के आशापुरा माता मंदिर पहुंचने के बाद समस्त कलशों को विष्णु महायज्ञ में अभिमंत्रित करने के लिए रखा गया। कलश यात्रा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री विष्णु महायज्ञ आयोजन समिति के सदस्यों के साथ साथ मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहिनें रंगीन परिधानों में सज धज कर सिर पर साफा धारण कर चल रही थी। कलश यात्रा का नेतृत्व अश्व पर सवार भारत माता तथा महाराणा प्रताप कर रहे थे। कलश यात्रा को देखने के लिए शहरवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। यात्रा मार्ग को व्यवस्थित बनाने में विहिप के कार्यकर्ता आगे आगे चल रहे थे। शहर में वर्षों पूर्व अपना वजूद खो चुका नेहरू गेट गुरुवार शाम से पुनः अपने अस्तित्व में आ गया। नगर परिषद प्रशासन की ओर से पूर्व में बने स्थान पर गेट का पुनर्निर्माण करवाया है। इसे गुरुवार दोपहर बाद आमजनों के समर्पित किया गया। नवनिर्मित गेट को पूर्व की भांति ही लुक दिया गया है। गेट पर आकर्षक रंग रोगन भी किया गया है। गेट को आमजन के लिए समर्पित किए जाने के बाद शाम के समय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए निकाली गई कलश यात्रा भी इसी गेट के नीचे से होकर गुजरी। मालूम हो कि 33 वर्ष पूर्व भारी वाहन की टक्कर लगने से नेहरू गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से लेकर अब तक इसका मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया था। विगत दिनों क्षेत्रवासियों की मांग पर नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान ने नेहरू गेट का पुनर्निर्माण करवाने का निर्णय लिया और इसके निर्माण के लिए 4 लाख रुपए का बजट स्वीकृत करते हुए निविदा जारी की। निविदा स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और करीब 2 माह के बाद गेट बनकर तैयार हुआ। हालांकि वर्तमान में लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। मालूम हो कि इस क्षेत्र में पूर्व में गेट बना हुआ था। इसे नेहरू गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह गेट अपने अस्तित्व खोता गया, लेकिन इसकी यादें आज भी चिरस्थायी है। इस क्षेत्र में बसी आबादी को आज भी शहर में नेहरू गेट बाहर तथा भीतर के नाम से ही जाना जाता है। इस याद को पुनः तरोताजा करने के लिए सभापति चौहान का प्रयास रंग लाया और वजूद खो चुका नेहरू गेट फिर से अस्तित्व में आ खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है पूर्व में निर्मित नेहरू गेट 33 वर्ष पूर्व एक भारी वाहन की टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हो गया था।
श्री लोकाशाह जैन युवक मंडल की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए पानी की टंकियां तैयार करवाई गई है। अध्यक्ष राजू सेठिया ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए पानी की उचित व्यवस्था के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में पानी की टंकियां लगाई है। संस्था की ओर से लोकाशाह नगर, प्रताप कॉलोनी, कुंदन नगर, पन्ना कॉलोनी, माल्यान चौपट, मसूदा रोड, गौशाला सहित अन्य स्थानों पर पानी की टंकियां लगाई गई। पानी की टंकी की व्यवस्था के दौरान ऋषभ गोलेछा, शानू सुराना, अनिल खींचा, ज्ञानचंद सेठिया, राजू शाह, राकेश मेहता, राजू बोहरा, पारसमल संचिता, निहाल चंद कोठारी सहित अन्य अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। श्री लोकाशाह नवयुवक मंडल के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे ब्यावर क्षेत्र में गायों के लिए पीने के लिए सीमेंटेड टंकियां तैयार की गई है। उसमें लोकाशाह नगर, प्रताप कॉलोनी, कुनन नगर, हाउसिंग बोर्ड एरिया, गौशाला के वहां पर लगाई जाएगी। वेशा कृष्ण पक्ष के शनिवार 4 मई को शनि अमावस्या मनाई जाएगी। इस बार शनि अमावस्या नव संवत्सर के राजा शनि के शासन काल में आ रही है। अश्विनी नक्षत्र के साथ आयुष्मान त्रिग्रही योग पड़ने के चलते इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ग्रहों के अनूठे संयोग से जातकों को ढैया व साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी। प्रतिदोष की शांति के साथ ही विष योग, काल सर्प दोष व चंद्र ग्रहण दोष की शांति के लिए यह दिन विशेष योग कारक रहेगा। पंडित खेमराज शर्मा के अनुसार सूर्य, चंद्रमा व बुध ग्रह के साथ मेष राशि में विराजमान होने से शनिश्चरी अमावस्या पर त्रिग्रही योग बन रहा है, जो कि सभी राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायक रहेगा। वहीं दिन भर शनि मंदिरों में तिलाभिषेक, शनि चालीसा व सुंदरकांड के पाठ सहित अनुष्ठान भी होंगे। वहीं 4 मई के बाद साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या 28 सितंबर को होगी। पंडित खेमचंद शर्मा ने बताया कि वैशाख मास की अमावस्या तिथि शनिवार के दिन आने पर इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पवित्र सरोवर में स्नान के बाद पितृतर्पण व दान आदि पुण्य फलदायी रहेगा। शनिश्चरी अमावस्या को विशेष उपाय करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। प्रदेश में गर्मी में तेजी दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी अस्पतालों में अधिक नजर आने लगी है। गर्मी में तेजी के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी 10-15% बढ़ी नजर आने लगी है। गर्मी में जहां लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, वही हालात यह है कि मरीजों को उल्टी, दस्त, बुखार आदि मौसमी बीमारियों के लिए डॉक्टर को दिखाने से पहले पर्ची लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में 2-4 होना पड़ता है। वही उसके बाद डॉक्टरों की कमी के कारण वहां पर भी मरीजों को दिखाने के लिए लंबी में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद निशुल्क दवाओं के लिए भी कतार में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों ने गर्मी में मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए पर्ची काउंटर पर आदमी बढ़ाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि जिले में तापमान में अंतर अधिक होने के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। जिले में रात में तापमान 25 डिग्री तक है, वही दिन में 42 डिग्री से अधिक हो रहा है, जिससे नजला, जुकाम, बुखार तथा बदहजमी सहित कई शिकायतें बढ़ रही है। निकटवर्ती ग्राम सराधना चौराहे पर बुधवार देर रात को दो बाइकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सेंधा थाना पुलिस ने घायल को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय भिजवाया तथा दोनों शवों को कब्जे में लेकर AKH की मोर्चरी रखवाया। गुरुवार सुबह AKH पहुंची सेंधा थाना पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार सराधना निवासी लखपत उर्फ कालू तथा मियापुरिया निवासी फिरोज बुधवार शाम को एक बाइक पर तथा राकेश कुमार रेगर एक दूसरी बाइक पर सवार होकर नाईकला निवासी अपने दोस्त से मिलने के बाद सराधना चौराहे से गुजर रहे थे कि इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों को चपेट में ले लिया, जिसके कारण फिरोज तथा कालू की मौत हो गई, जबकि सुरेश कुमार रेगर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डिजिटल इंडिया के प्लान पर टेलीफोन कंपनी BSNL का खराब नेटवर्क भारी पड़ रहा है, जिसका खामियाजा शहर के परिवहन विभाग को भुगतना पड़ रहा है। विभाग के क्षेत्रीय स्थित कार्यालय में विगत एक सप्ताह नेटवर्क पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, जिसके चलते विभाग के कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा है। परिवहन विभाग के RTO प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि विगत एक सप्ताह से कार्यालय में BSNL का नेटवर्क पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, जिसकी शिकायत भी BSNL कार्यालय में करवा दी गई है, लेकिन BSNL की ओर से अभी तक नेटवर्क को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके चलते कार्यालय में रोजमर्रा का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। साथ ही कर्मचारियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोढ़ा ने बताया कि इस दौरान सबसे ज्यादा लाइसेंस बनाने काम प्रभावित हो रहा है। सर्वर डाउन होने से नए लाइसेंस बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कार्यालय के अन्य कार्य भी बाधित हो रहे हैं। नेट को लेकर
आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है, और अभी पिछले 5-7 दिन से तो लगातार ही सर्वर डाउन चल रहा है, तो जो पब्लिक का कार्य सफ़र होता है, पब्लिक परेशान होती है। BSNL में भी हमने शिकायत लिखी है, जल्दी उन्होंने कहा कि इसका कोई सोल्यूशन करेंगे। जीवाड़ा थाना पुलिस ने SP अजमेर की ओर से अवैध शराब के कारोबार व तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की 220 पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शराब तस्करी में प्रयुक्त किया गया एक ISR ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। जीवाड़ा थाना अधिकारी विमला चौधरी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। टीम ने सदस्यों ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाने के सामने से गुजर रहे ISR कंपनी के एक ट्रक को रुकवा कर उसकी तलाशी ली तो पाया कि ट्रक में प्लास्टिक के कैरेट भरे हुए हैं। प्रथम दृष्टया तो पुलिस ने उन्हें कैरेट मान लिया, लेकिन शक के आधार पर ट्रक में भरे कैरेट को नीचे उतार कर तलाशी ली तो ट्रक में कैरेट के नीचे हरियाणा निर्मित शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया तथा वहां पर खाली करवाया तो कुल 220 पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने शराब जब्त कर ट्रक चालक साल नौरंगसर थाना सालासर जिला चुरू निवासी हरीश पुत्र पीथाराम परिहार रावणा राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस टीम में थानाधिकारी विमला चौधरी, हेड कांस्टेबल बाबूलाल हरनिवास, गोविंद राम कांस्टेबल, रामराज शंकरलाल तथा भवनलाल आदि शामिल थे। सिटी थाना पुलिस ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा की ओर से सूचीबद्ध किए गए हार्डकोर अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत प्रदेश के अव्वल दर्जे के बदमाश मुखम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपराधी के कब्जे में से एक बंदूक, एक पिस्टल मय, 2 कारतूस, 3 मोबाइल मय सिम तथा एक बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि मुखम सिंह पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। सिटी थाना पुलिस ने मुखम सिंह को देलवाड़ रोड से गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी ने बुधवार शाम को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर ने राज्य स्तर पर 25 हार्डकोर अपराधियों की एक सूची जारी की थी। उक्त सूची में लसानी PS सदर निवासी मोखम सिंह का नाम पहले नंबर पर दर्ज था। आरोपी पर 5,000 रुपए के इनाम भी घोषित था। सूची प्राप्त होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर कुंवर राष्ट्रदीप ने गंभीर बदमाशों को पकड़ने का अभियान शुरू किया। अभियान के तहत पुलिस कप्तान ने ब्यावर वृत्ताधिकारी को उक्त जिम्मेदारी सौंपी। इस पर वृत्ताधिकारी हीरालाल सैनी ने प्रशिक्षु IPS गिरधर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मोखम सिंह को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की। सैनी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने गुरुवार को बलार रोड से लसानी निवासी मोखम सिंह पुत्र शाबिर महराज को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सैनी ने बताया कि मोखम सिंह पूर्व में केंद्रीय कारागृह उप कारागृह ब्यावर व उप कारागृह भीम राजसंबंध को तोड़कर भागने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ब्यावर सदर थाने के कई मुकदमों में भी वांछित है। आरोपी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1999 में एक मामला दर्ज हुआ था, तब से लेकर अब तक कुल 59 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मोखम सिंह चोरी, लूट, डकैती, हत्या एवं आर्म्स एक्ट के अपराधों का अभ्यस्त है तथा पुलिस थाना ब्यावर सदर का हिस्ट्री शीटर एवं वांछित अपराधी भी है। डिप्टी हिसैनी ने बताया कि आरोपी ने फरारी के दौरान कई लोगों को जान से मारने की फोन पर भी धमकियां देता रहा है। टीम की सफलता पर जिला पुलिस अधीक्षक ने हौसला अफजाई करते हुए 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। SP के निर्देश पर गठित टीम में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, भगवान सिंह, भवान सिंह, विजेंद्र सिंह, पवन जांगीर तथा सिकलॉन सेल अजमेर के रणवीर सिंह आदि शामिल थे। अजमेर पुलिस द्वारा एक सक्रिय अपराधी मोस्ट वांटेड, जो स्टेट लेवल का PHQ लेवल पे भी नंबर 1 पे सक्रिय अपराधियों में लिस्टेड है, मोखम सिंह, जिस पे SP साहब अजमेर ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। DGP साहब राजस्थान ने पद ग्रहण करने के बाद राजस्थान के सक्रिय अपराधी हार्डकोर जो क्रिमिनल हैं, जिनसे जनता में भय है, उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निकाले थे। बदमाशों की लिस्टिंग हुई थी, उस लिस्टिंग में अजमेर का मोस्ट वांटेड अपराधी मोखम सिंह मेहरात लिस्टेड हुआ था, जिसके लिए SP साहब अजमेर ने एक टीम का गठन किया। इन लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से
मोखम सिंह का पीछा कर रहे थे, मेहनत की और आज ब्लाड रोड विजयनगर रोड से उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मोखम सिंह के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, एक पिस्टल, मैं दो कारतूस के और तीन मोबाइल हैं, चार सिम हैं, एक मोटरसाइकिल है, उसको गिरफ्तार किया है। पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके खिलाफ 59 केस रजिस्टर हैं, 59 मुकदमे मोखम सिंह के विरुद्ध दर्ज हैं, हत्या, डकैती, लूट, एक केस है 9/19 जो सदर ब्यावर में अब भी वांछित था, जेल तोड़ के भी भाग चुका है। श्री अग्रवाल सलीमाबादी पंचायत संस्था एवं सेवायतन ब्यावर की ओर से पवन कुमार, गोपाल गोयल किशनगढ़ वालों के सौजन्य से 14वां विशाल समर कैंप लगाया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक नरेश गुप्ता के अनुसार ब्यावर शहर का एकमात्र समर कैंप है जो पिछले 13 वर्षों से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उक्त समर कैंप में सभी समाज की महिलाओं एवं युवतियों का विभिन्न कला कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं सभी को सीखने के लिए इस समर कैंप का इंतजार रहता है। समर कैंप के सफल संचालन के लिए संस्था अध्यक्ष आरसी गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैंप की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने समर कैंप का आयोजन श्री अग्रवाल फतेहपुरिया बगीचे में किए जाने का निर्णय लिया गया। कैंप का आयोजन 21 से 30 मई तक किया जाएगा। बैठक के दौरान नरेश गुप्ता को संयोजक, वितारा चंद बंसल व दीपक गुप्ता को सह संयोजक का दायित्व सौंपा गया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर शहर भर में निकली कलश यात्रा, ऐतिहासिक कलश यात्रा को देखने उमड़े शहरवासी। सिटी थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधी मोखम सिंह को किया गिरफ्तार, प्रदेश अपराध की सूची में अव्वल नंबर पर है नाम दर्ज। जिवाया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान पकड़ी 220 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, प्लास्टिक के कैरेट की आड़ में की जा रही थी तस्करी। और पुनः अस्तित्व में आया बरसों पुराना नेहरू गेट आमजन के आवागमन के लिए किया समर्पित।